सरकार के बीच की नहीं है। अब इस लड़ाई में किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिलाएं, छात्र, युवा, तमाम तबके ये भारत की जनता की और साम्राज्यवादी पूंजीवादी लुटेरों के बीच की लड़ाई है। और इसलिए ये लड़ाई खेती के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ, दिहाड़ी मजदूरी के साथ साथ ये देशभक्ति की लड़ाई है। हम देशभक्त हैं। मोदी, शाह और नफरत की सवारी करने वाले लोग ये समझते थे कि जहां पे भी चुनाव होगा वहां हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, चीन, फला फला, जात पात, आरक्षण, सौ झगड़े करवा दो लोगों में, वोट तो पड़ेंगी लोगों को बांट के और फिर लुटाएंगे सारा पूंजीपतियों को। लोग समझ गए हैं, लड़ नहीं रहे हैं, उन्होंने हमारा हौसला भी देख लिया है। आपने सब ने देखा होगा, खासकर जो लोग खटखट टोल पे बैठे हैं या लंगर पे बैठे हैं, सबने देखा होगा 5-7 दिन पहले पंजाब की एक ट्राली सुसज्जित एसी वगैरह फिटिंग। मैं उस ट्राली को देख के कह रहा था कि ये ट्राली मोदी को दिखाई नहीं देती, ये सिंबल है, प्रतीक है किस बात का कि किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, किसान जीत की लड़ाई के लिए संकल्प लेके आए हैं। हम हारने के लिए नहीं आए, हम जीतने के लिए आए हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस देश की जनता की जीत होगी, मजदूर किसान की जीत होगी, भारतवर्ष की जीत होगी। अंबानी, अडानी और उनके चौकीदार मोदी शाह यहाँ ढूंढे नहीं पाएंगे। और यही वजह है, आज पहले पंजाब में शुरू हुआ था, हरियाणा में शुरू हो गया, यूपी में शुरू हो गया, कहीं पर भी देश में भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए घुसना लोगों ने नामुमकिन कर दिया। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है? लोग तुम्हारी शक्ल देख के राजी नहीं, तुम्हारी शक्ल ही लोग देख के राजी नहीं, इससे ज्यादा जब आदमी का बहिष्कार करते हैं ना, हृदय जात पात में घेर दिया, आदमी फांसी खा लिया करता। लेकिन ये इतने नक्शे हैं, दोनों टांग पकड़ के घसीट कर तला गिरने पड़ेंगे, आराम से नहीं मानेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के इस मंच के माध्यम से आज कर्मचारियों और मजदूरों के साथ संयुक्त मोर्चा ने इकट्ठी बैठक करके जो ये तय किया कि निजीकरण के खिलाफ लड़ाई भी संयुक्त किसान मोर्चे के एजेंडे पर होगी। ये लड़ाई बहुत बड़ी बनने वाली है, ये आजादी की दूसरी लड़ाई बनने वाली है और हमारे 70 साल के इतिहास में इसने एक नया इतिहास रच दिया है। आप देखेंगे आने वाले 2 महीने के बाद जब इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम भी आ चुके होंगे, मोदी शाह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और इस देश के अंदर एक ही झंडा, किसान मजदूर की एकता का झंडा, किसान मजदूर की एकता का नारा, इंसानियत की एकता का नारा, यही बूझेगा। इनकलाब जिंदाबाद।